दोस्तों डाउन टू अर्थ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूर्णिया में। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार सरकार द्वारा जो है मेडिकल कॉलेज बनाई जा रही है। सीमांचल यानी कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में यह पहला जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज होने वाला है। और इस साल यहाँ जो है इसकी पढ़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन 60% फैकल्टी अवेलेबल नहीं होने के कारण और साथ ही कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वो पूरा नहीं होने के कारण इसको MCI की मान्यता जो है नहीं मिली है। तीन बार अब तक MCI की टीम जो है वो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का दौरा कर चुकी है और अंतिम जो अक्टूबर में उन्होंने रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया है कि 60% फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, साथ ही OT और ICU का जो कार्य है वो पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण अभी मान्यता नहीं दी जा सकती है। दोस्तों ये पूर्णिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का लेआउट है जिसके ऊपर ही निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 10 मंजिला इमारत जो है वो GNM कॉलेज की हॉस्टल है और ये काफ़ी पहले ही बन के तैयार हो चुकी थी दोस्तों, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि 2018 में इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 2021 में यहाँ पढ़ाई जो है वो शुरू होने वाली थी और ये मेडिकल कॉलेज तैयार होने वाला था, लेकिन अभी दिसंबर 2021 हो गए हैं और यहाँ जो है पढ़ाई या फिर मेडिकल कॉलेज की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों अभी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसका निर्माण कार्य और जो फैकल्टी की यहाँ कमी है उसको पूरा किया जाए, जिससे यहाँ इस सत्र में ही जो है वो पढ़ाई यहाँ से शुरू हो सके और बिहार को 100 नए MBBS के छात्र जो हैं वो यहाँ से मिले।